लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ एक्सरसाइज 18 एफ दैट इज मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा क्वेश्चन नंबर 18 इज द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमें नीचे डेटा दे रखा है उसमें वो बता रहा है कि हमें मंथली कंजम्पशन दे रखी है इलेक्ट्रिसिटी की ऑफ 64 फोर कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलेटी सिक्सटी फोर कंज्यूमर्स की लोकेलेटी में तो हमें क्या दे रखा है मंथली कंजम्पशन दे रखा है थली कंजम्पशन दे रखा है और क्या दे रखा है हमें नंबर ऑफ कस्टमर्स दे रखे हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स दे रखे हैं राइट right? अब कितनी है मंथली कंजम्पन 65 से 85 यूनिट तक हमारी है फोर कस्टमर्स 85 से 105 तक है हमारा फाइव कस्टमर्स 105 से 125 तक है 13 कस्टमर्स 125 से 145 तक है 20 कस्टमर्स 145 से 165 तक है 14 कस्टमर्स एंड 165 से 185 तक है 8 कस्टमर्स राइट right? अब वो कह रहे हैं फॉर्म अ मोर देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें मोर देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब भी हम लेस देन और मोर देन करते हैं तो क्या करना होता है लेस के देन केस में हमें सबसे पहले वाली क्लास इंटरवल की अपर लिमिट लेनी होती है लेस देन दिस लेस देन दिस अपर लिमिट लेनी होती है लेकिन मोर देन के केस में हमें सबसे पहले जो लेना होता है वो सबसे नीचे की लोअर लिमिट लेनी होती है आंसर में मंथली कंजम्पशन लिखेंगे मंथली कंजम्पशन और क्या लिखेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो डायरेक्टली निकलेगी फ्रीक्वेंसी लिखने की कोई जरूरत नहीं है तो अब हम क्या लिखेंगे हैं यहां पे मोर देन 165 राइट right? तो कितना आया मोर देन 165 8 एट आया क्योंकि क्यों आया एट क्योंकि ये इन दोनों के बीच की थी तो मोर देन सिक्स वन कितना हुआ एट राइट right? अब मोर देन हम लेस देन में अपर लिमिट लेते थे लेकिन मोर देन में हम लोअर लिमिट लेंगे सबकी 145 तो क्या आएगी ये प्लस ये 14 प्लस 8 तो कितनी आ गई ये हमारी 8 प्लस फोर इज ट्वेल्व कैरी वन एंड टू मोर देन अब दूसरी लोअर लिमिट क्या हो गई 125 तो या तो इन दोनों का जो प्लस किया हुआ है उसमें ये ऐड कर दीजिए या एक साथ तीनों ऐड कर दीजिए तो मैं ऊपर जो ऐड किया हुआ था ऑलरेडी उसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी ऐड कर रही हूँ तो ये आ गई फोर्टी टू अब मोर देन नेक्स्ट लोअर लिमिट कौन सी है हंड्रेड एंड फाइव तो ये कितना आ गया जितनी ऐड की हुई है फोर्टी टू उसमें मैंने ये थर्टीन ऐड कर दिया तो ये आ गया हमारा फिफ्टी फाइव नेक्स्ट लोअर लिमिट कौन सी हो गई मोर देन 85 85 हमारी लोअर लिमिट हो गई तो जितना ऐड किया हुआ था 55 उसमें हमने फाइव और ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया 60 अब लास्ट लिमिट है मोर देन 65 राइट right? तो हम क्या लिख सकते हैं 60 में ऐड कर दिया लास्ट के फोर तो ये क्या हो गया फोर हमने यहाँ से क्यों स्टार्ट की क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐड होती है राइट right? ऐड होती चली जाती है फ्रीक्वेंसी अगर हम ऊपर से स्टार्ट होते करते तो वो माइनस हो जाती राइट right? इसलिए हमने हमेशा नीचे से स्टार्ट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन करने के लिए और लेस देन करने के लिए ऊपर से स्टार्ट करेंगे उसकी अपर लिमिट से राइट आंसर लेट्स डू क्वेश्चन नंबर नाइनटीन ऑफ एक्सरसाइज 18F एफ दैट इज मीन मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डेटा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम इन डेज ऑफ हंड्रेड इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ अ सर्टिन ब्रांड एक ब्रांड के हंड्रेड इलेक्ट्रिक बल्ब्स की लाइफ टाइम डेज बता रहा है कि कितने की डेटा दे रखा है राइट कितना लाइफ टाइम है उस बल्ब की वो डेटा दे रखा है तो हम लिख लेते हैं लाइफ टाइम लाइफ टाइम ये दे रखा है इन डेज में और हमने दे रखा है नंबर ऑफ बल्ब्स राइट तो कितना दे रखा है लेस देन फिफ्टी दे रखा है लेस देन फिफ्टी है हमारे सेवन लेस देन हंड्रेड है हमारे ट्वेंटी वन लेस देन वन फिफ्टी डेज हैं कितने बल्ब्स की फिफ्टी टू बल्ब्स की लेस देन टू हंड्रेड डेज है हमारे सेवेंटी नाइन बल्ब्स की लेस देन टू फिफ्टी है हमारा टू फिफ्टी है नाइन्टी वन बल्ब्स की और लेस देन थ्री हंड्रेड है हमारा हंड्रेड बल्ब की राइट right? तो अब आगे क्या कह रहे फ्रॉम द टेब दिस टेबल कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्लास इंटरवल लिखना पड़ेगा और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी तो इसका मतलब ये क्या है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो आंसर में क्या लिख के आएंगे वो मैं बता रही हूँ लाइफ टाइम लिख के आएंगे लाइफ टाइम एंड डेज में राइट right? और हम उसकी फ्रीक्वेंसी के लिए नंबर ऑफ बल्ब्स लिखेंगे नंबर ऑफ बल्ब्स राइट अब लेस देन 50 का मतलब 50 से कम तो हमारा कितना हुआ जीरो से लेके 50 राइट right? जीरो से लेके 50 डेज तक की हमारी बल्ब कितने थे सेवन क्यूमुलेटिव में सबसे पहला एज इट इज होता है राइट right? फिर क्या था अब ये कह रहे हैं लेस देन हंड्रेड मतलब जीरो से हंड्रेड तक का बता रहा है ये लेकिन हमारा जीरो से फिफ्टी तक सेवन थे तो फिफ्टी से हंड्रेड तक का निकाल लेंगे फिफ्टी से हंड्रेड तक का कितना आया फिफ्टी से हंड्रेड तक का कैसे निकालेंगे जीरो से फिफ्टी जो आया था सेवन उसको जीरो टू हंड्रेड जीरो से हंड्रेड में से जीरो टू फिफ्टी का लेस कर देंगे तो फिफ्टी टू हंड्रेड का आ जाएगा तो हमने क्या किया ट्वेंटी वन में से सेवन माइनस कर दिया तो ये आ गया हमारा फोर्टीन राइट इसी तरीके से हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी है अब इससे पहले के मतलब ये वाले हम माइनस कर देंगे इसमें से तो हमारा हंड्रेड से हंड्रेड फिफ्टी का आ जाएगा तो हमने क्या किया फिफ्टी टू में से हमने ट्वेंटी वन माइनस कर दिया तो ये आया थर्टी वन बल्ब राइट अब हमने वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड निकाला इसी तरीके से हमने पहले वाली यूनिट माइनस कर दी तो सेवेंटी नाइन में हमने फिफ्टी टू माइनस किया तो कितना आया सेवन एंड टू अब टू हंड्रेड से टू फिफ्टी के केस में हमने इससे पहले वाली यूनिट माइनस कर दी इसमें से नाइन्टी वन में से हमने सेवेंटी नाइन माइनस कर दी तो ये आया ट्वेल्व राइट right? इसी तरीके से 250 से 300 हंड्रेड के रेंज में हमने 100 में से 91 माइनस कर दिया तो हमारे आ गए नाइन बल्ब तो ये क्या आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई आंसर